जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं जो हमारी मोदी जी ने कल नई ट्रेन स्टार्ट की है नमो भारत, उस ट्रेन के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, जो कि एक रीजनल ट्रेन है जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये बुलेट ट्रेन की स्पीड में नहीं चलेगी, और हाँ उसी के डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये दिल्ली के सरायकाले खां से चलकर मेरठ तक जाएगी, जिसका पहला फेज साहिबाबाद से मेरठ के दुहाई तक स्टार्ट किया गया है। तो साहिबाबाद से दुहाई अभी चालू कर दिया गया है आम पब्लिक के लिए। तो आइए हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं इस ट्रेन में दिल्ली मेट्रो से क्या अलग है, कंपैरिजन करेंगे दोनों मेट्रो की, दोनों की सुविधाओं का में करेंगे, क्या क्या दोनों में अलग सुविधाएँ हैं, और देखते हैं। चलिए आइए, आप सभी का स्वागत है, तो मिलते हैं ट्रेन के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा जो पार्किंग का एरिया है, ये हम अभी फ़िलहाल, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं गाजियाबाद के स्टेशन पर हूँ। यहाँ पे आप लोग अपनी कार, अपनी टू व्हीलर पार्क करके आप इस रास्ते से, ये पहला रास्ता, यहाँ से आप लिफ्ट से जा सकते हैं, और आगे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ या जो पैदल चल के जाने वाली सीढ़ियाँ हैं उनके थ्रू जा सकते हैं। ये आपकी सीढ़ियाँ आ गई, और आप जो है ये सामने से हम लोग इंटर करेंगे, और क्योंकि अभी डेकोरेट इसलिए है, सारा फूल हरी पत्तियाँ इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि कल ही मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, और ये जो है काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था सारा। मैंने जैसे आपकी बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ भी हैं और नॉर्मल सीढ़ियाँ भी हैं। व्हीलचेयर्स की भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, अगर किसी को व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली व्हीलचेयर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप पहले फ्लोर पे आएंगे, आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं रैपिड रेल का कब फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे ये वर्क करेगी और कहाँ कहाँ ये जाएगी। उसके बाद आपको दूसरे फ्लोर पे जाना है, दूसरे फ्लोर पे जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे अभी फिलहाल खाली जगह ही मिलेगी जहाँ पे कुछ नहीं है। थर्ड फ्लोर पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको टिकट का की अरेंजमेंट है, ये हम मेन फ्लोर पे आ गए जहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह का अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे टिकट वेंडिंग मशीन भी लगी है, टिकट के काउंटर भी हैं, और आप कस्टमर केयर जो इनका कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाकर कार्ड भी ले सकते हैं। कार्ड पेटीएम के थ्रू दे रहे हैं ये लोग, जो कि आपको दिल्ली की बसेज में या दिल्ली मेट्रो में भी वैलिड रहेगा, या आपकी जो भी दिल्ली एनसीआर की जितनी भी मेट्रो सर्विसेज हैं सब में अवेलेबल। ये कार्ड है रैपिडेक्स का, जो हमारी रीजनल ट्रेन है उसका कार्ड मैंने भी एक परचेज किया, वही सेम कार्ड का सिस्टम है। 100 रुपये सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं, और उसमें आप बैलेंस जितना मर्जी डलवाना चाहें आप डलवा सकते हैं। तो अभी हमने टिकट ले लिया, और उसके बाद हम जो है अब आगे प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में भी आपको मैं बता दूं कि दो अरेंजमेंट है यहाँ पर, प्रीमियम और इकोनॉमी। प्रीमियम में आप टिकट ले रहे हैं तो आपको एक बैठने के लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट है, मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा प्रीमियम में क्या क्या एडवांटेज है और क्या इकोनॉमी में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। प्रीमियम आपका, आपने टिकट लिया है तो आप जो है यहाँ पर प्रीमियम, जैसे ही आप दोबारा कार्ड पंच करेंगे इंटर करने के लिए, आपको यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, प्लस यहाँ पे छोटे छोटे कियोस्क भी लगा रखे हैं कि आपको अगर कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो आप वो भी खाने पीने के लिए भी ले सकते हैं। वही सेम मेट्रो कार्ड से आप लेना है मेट्रो कार्ड अगर आपके पास है तो उससे ले सकते हैं, पेटीएम वाला जो इनका रैपिडेक्स का कार्ड है, और आप अपना कैश भी डालकर इसमें से कुछ भी आपको चाहिए, ड्रिंक्स, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, बिस्किट, जो भी आपको इसमें डिस्प्ले में है वो आप खा सकते हैं।
और आप यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी है, आप सीट में बैठ भी सकते हैं। ग्रीनरी की पूरी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, घास पौधे लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है। सबसे बड़ी बात अभी नया है, चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, अच्छी हैं, देखते हैं हमारे लोग कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। तो आइए, हमारी ट्रेन आने वाली है और हम लोग अपने ट्रेन में बोर्ड करते हैं। हमारी ट्रेन आ गई है, अब हम इसे चल के बोर्ड करेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे कि हमारी ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये अभी हम प्रीमियम क्लास में चढ़े हैं। प्रीमियम क्लास में ये सीटिंग अरेंजमेंट है 2x2, दो सीटें एक तरफ, दो सीटें दूसरी तरफ। उसके बाद आपका आर्म रेस्ट के लिए इन्होंने दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। सीटें बेसिकली रिक्लाइनर हैं, आप सीटों को आगे पीछे कर सकते हैं और लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दे रखा है। आप आराम से रिलैक्स होकर पूरा बैठ सकते हैं, आपको एक दूसरे का पैर टच नहीं होगा। और ऊपर सीट क्या, जो फ्रंट सीट है उसके नीचे आपको पैर रखने के भी अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा है। तो आपको, और साथ के साथ अगर जैसे आप देखेंगे लगेज रखने के लिए भी इन्होंने ऊपर ही दे रखा है। मेट्रो में ये कमी थी कि लगेज हमको आप साथ में लेके रखना पड़ता था, अपने आसपास ही रखना पड़ता था। और ये देखिए आर्म रेस्ट है और इसी में ही रिक्लाइनर का बटन भी है। जैसे ये देखिए यहाँ पे रिक्लाइनर का बटन यहाँ पर है, आप अपनी सीट आगे पीछे करना चाहें तो आप इजीली अपनी सीट आगे पीछे कर सकते हैं। ये चार्जिंग पॉइंट है, अगर आप चार्ज करना चाहें मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं। स्टैंड कोई अगर स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे हैंडल दे रखें कि आप पकड़ कर खड़े रहें, कि जिससे आप आसानी से खड़े हो पाएँ, गिरे ना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ट्रेन की तो और हो सकता है कि आप जो है थोड़ा बहुत गिर सकते हैं। ट्रेन में आपको कर्टन्स की व्यवस्था है कि अगर आपके सनलाइट पड़ रही है विंडो में तो आप उसको नीचे कर सकते हैं। ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ अभी प्रीमियम क्लास की ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इकोनॉमी क्लास की चीज़ें भी मैं बताऊँगा अभी आपको। मैं अभी एक रूट पर जा रहा हूँ, वापस दूसरे रूट पर मैं इकोनॉमी क्लास में आऊँगा तो मैं आप लोगों को इकोनॉमी क्लास की भी सारी डिटेल 1x1 आपको बताऊँगा कि इकोनॉमी क्लास में क्या है, कैसे जाना है। और रही बात इसकी प्रीमियम क्लास की, प्रीमियम क्लास की जो टिकट है वो इकोनॉमी क्लास से डबल है। अगर इकोनॉमी क्लास की टिकट 20 रुपये है तो प्रीमियम क्लास की टिकट ये 40 रुपये हो जाती है, जस्ट डबल है। ये सारा गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरियाज के ऊपर से सारी ट्रेन निकलती हुई। यहाँ पे प्रीमियम क्लास में एक और खास बात है कि आप इन ट्रेन बोर्ड करने के बाद भी अगर आपको कुछ खाने पीने का मन है तो आप यहीं से अंदर से ही परचेज कर सकते हैं। अंदर ही कियोस्क लगा रखी मशीन, आप जो खाना चाहें आप खाएं और बाहर आ जाएं। एक सब कुछ देखने के बाद मुझे एक चीज़ का ड्रॉबैक दिखा कि अगर आपने खाने के लिए शॉप दी है, कियोस्क दिया है, तो आपको एक डस्टबिन भी देना चाहिए था, क्योंकि अभी लोग खा के चिप्स के, कुरकुरे के, नमकीन के, बिस्किट के रैपर जो है वो गाड़ी में ही गिराएंगे। अगर यहाँ खाने का की अरेंजमेंट किया है तो डस्टबिन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अभी हमने प्रीमियम क्लास में ट्रेवल किया, ये हमारी प्रीमियम क्लास से ट्रेन हमको उतार कर अपना आगे की तरफ जा रही है और अब हम जो है यहाँ से नीचे जाएंगे और अपना टिकट वापस करेंगे और पुनः ये यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना कार्ड या टोकन जो भी आपके पास है, टिकट जो भी है, इस पर लगाएंगे और गेट खुल जाएगा, आप जो है बाहर निकल जाएंगे। अब हम जो है आपको इकोनॉमी क्लास की तरफ लेके चलते हैं। इकोनॉमी क्लास में क्या है, क्या अरेंजमेंट है, आपने एंट्री का सिस्टम समझ ही लिया, टिकट का आपने सिस्टम समझ लिया,
अभी इकोनॉमी क्लास का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। नॉर्मली एक दो जगह छोटी छोटी सीटें इन्होंने बना रखी हैं, बट जो प्रीमियम क्लास में थी प्रॉपर फोम वाली सीट थी। यहाँ पर आपको सारा वही मैप दिख जाएगा, कौन सी मैप कहाँ पर है और कौन दिल्ली मेट्रो कहाँ कहाँ आपको कनेक्ट करेगी। अगर आप इससे जा रहे हैं तो आइए, हमारी ट्रेन आ गई है, अब हम जो है इकोनॉमी क्लास में चढ़ते हैं। ये इकोनॉमी क्लास का डब्बा है, इसमें भी वही सेम अरेंजमेंट है 2x2, लेकिन इसकी सीटें कंजस्टेड है, आपको लेग स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता। अभी हमारी ट्रेन यहाँ से हमको इकोनॉमी क्लास में लेकर चली है। तो ये देखिए इकोनॉमी क्लास की जो सीटिंग है वो रेड कलर की है और प्रीमियम क्लास की ब्लू कलर की है। सेम सिस्टम है यहाँ पर, वही सेम, बट यहाँ पे जितने भी बाकी डिब्बे हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। लेकिन अभी प्रीमियम में क्या एक ही डब्बा था, वो भी ब्लॉक था, उसके आगे आप दूसरे बॉक्स में नहीं जा सकते थे या दूसरे बॉक्स का कोई आदमी प्रीमियम में नहीं आ सकता था। यहाँ पे वही सेम रैक बने हुए हैं, आपको सामान अगर कुछ रखना है तो आप ऊपर इसके रैक में सामान रख सकते हैं। हैंडल्स हैं, डिटेल्स आपको कहाँ कहाँ वही ब्लिंग एलईडी लाइट के थ्रू आपको बताएंगे कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँची है और अगला स्टेशन कौन सा आने वाला। अनाउंसमेंट दिल्ली मेट्रो की तरह ही सेम है इसमें, इसमें भी चार्जिंग पॉइंट्स, आर्म रेस्ट, बस इसमें आपको रिक्लाइनर का ऑप्शन नहीं है और आर्म रेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ वही सेम है, 2x2 ही है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं जगह जगह। तो ये हमारी ट्रेन हो गई, अब हम उसको डिबोर्ड करेंगे गाजियाबाद स्टेशन पे और देखेंगे कि गाजियाबाद प्लेटफॉर्म का जो एग्जिट का एरिया है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था कि हाँ, इसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बा है। जो पहला डिब्बा है वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित है, उसमें आपको डिब्बे पे भी लिखेगा मिलेगा और गेट पे के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी आपको लिखा मिलेगा कि ये जो केबिन है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो अभी गाजियाबाद हम उतर गए और हमारी ट्रेन अभी जा रही है, ये ट्रेन हमारी गाजियाबाद चली गई और ये दूसरी जो ट्रेन उधर दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी वो भी हमें क्रॉस कर गई। तो ये सारा आपको हमने रैपिड एक्स मेट्रो कह लीजिए, रैपिड एक्स बुलेट ट्रेन कह लीजिए, रैपिड एक्स नमो भारत कह लीजिए या रीजनल ट्रेन कह लीजिए, तो इसका हमने आपको पूरा सफ़र कराया। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए कि जिससे उन लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन हो कि इस ट्रेन में कैसे चलना है और क्या इस ट्रेन का सिस्टम है। क्योंकि अगर आप गलती से प्रीमियम क्लास में चले गए तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के टिकट लेकर प्रीमियम में आप नहीं जा सकते। बाकी सुविधाएं सारी सेम है, मेट्रो जैसी ही है, बस इसमें एडवांटेज यही है कि सीटें रिक्लाइनर हैं प्रीमियम क्लास में और इसमें जो सीटें हैं वो थोड़ा अच्छी हैं इन कंपैरिजन टू दिल्ली मेट्रो। बट दिल्ली मेट्रो की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इसको ये रूट थोड़ा अलग है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को बहुत सारी प्यार दीजिएगा, पहले ही दिन इनका वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एग्जिट को गेट और अपने यार दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज पहले ही दिन को यहाँ पे इनका जो लोग जो है कोऑपरेट कीजिए।